झांसी में एक बार फिर से तेज रफ्तार को कहर देखने को मिले। इतने तेज रफ्तार से जा रही कार हाईवे पर बने पुल से टकरा गई। इस हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोविंद तिवारी और उनकी पत्नी अवंतिका तिवारी दो ही जने कार में सवार होकर अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वे झांसी कानपुर हाईवे पर ग्राम बूढ़ा के पास पहुंचे, तभी कार अचानक अनियंत्रित होकर पुल से जा टकराई। इसके बाद पति पुल से नीचे गिर गए और पत्नी कार में फंस गई। देर रात भई घटना में हाईवे पे चीख पुकार मच गई। मृतक बड़ा गांव गेट बाहर द्वारका कॉलोनी कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले थे। राहगीरों की मदद से सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसी महिला को रेस्क्यू करके निकाले और दो ही लोगों को घायल अवस्था में झांसी के मेडिकल कॉलेज ले आओ गए। इतने चिकित्सकों ने दो ही लोगों को मृत घोषित कर दो। फिलहाल इस दर्दनाक घटना को लेकर हर को हैरान है और पति पत्नी दो ही जने इस सड़क हादसे को शिकार हो गए हैं। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली, बौछार कराने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।